गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पद परिचय और पद परिचय में पढ़ेंगे सर्वनाम पद परिचय। सर्वनाम पद परिचय, सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। तो जैसे संज्ञा का पद परिचय देने में 5 चीजें बतानी होती थी, उसी तरह से सर्वनाम का जब हम पद परिचय देते हैं तो हमें 6 चीजें बताने की जरूरत होती है। पहला है सर्वनाम का भेद, दूसरा लिंग सॉरी पुरुष, तीसरा लिंग, चौथा वचन, पांचवा कारक और छठवां क्रिया के साथ संबंध। 5 चीजें हैं इसमें। एक चीज और बढ़ती है, संज्ञा का पद परिचय दिया था ये पुरुष, क्योंकि सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है जो वक्ता होता है, कहने वाला। मध्यम पुरुष सुन, जिससे कही बात जा रही है, बात सुनी जा रही, जो सुनने वाला है। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कही जा रही है वो वहां प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे वाक्य है, मैं राम के साथ उसके घर गया। मैं राम के साथ उसके घर गया, वाक्य है हमारा ये। तो इसमें देखना है हमें सर्वनाम क्या है। 2 सर्वनाम है, मैं और उसके, मैं और उसके। तो हम देंगे यहां मैं का पद परिचय। पहला क्या है? सर्वनाम का भेद, यानी कि ये सर्वनाम है। सर्वनाम का कौन सा भेद है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो मैं स्वयं जो कहने वाला है, तीसरा लिंग पुल्लिंग, लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। तीसरा वचन, मैं एबी वचन है हिंदी में। कारक, कर्ता कारक है, क्योंकि स्वयं मैं काम को करने वाला है। और गया, क्रिया के साथ संबंध, क्रिया क्या है? गया, गया क्रिया का करता है। तो 5 चीज आ गई इसमें। सर्वनाम का प्रकार लिंग, तीसरा वचन, चौथा कारक वो कर्ता कारक, और 5वां क्रिया का कर्ता। 5 सर्वनाम का भेद, 1, 2, 3, 4, 5 रह क्या गया? हाँ सॉरी, तो सर्वनाम का कौन सा प्रकार था? सर्वनाम तो ये था ही, लेकिन ये था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक नाम तो 6वीं चीज ये आ गई। अब दूसरा है उसके, एक तो मैं था सर्वनाम, दूसरा था उसके। तो उसके सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके साथ। अब
विशेषवाचक सर्वनाम का ये कौन सा भेद है? मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को, उसके साथ तो ना तो प्रथम पुरुष है, ना उत्तम पुरुष है, ना मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। पुरुष कौन सा हुआ? अन्य पुरुष, लिंग पुल्लिंग, पुरुष है वचन एक वचन है। तो पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा उसका भेद अन्य पुरुष, तीसरा लिंग, चौथा वचन। अब कारक क्या है? उसके साथ। तो संबंध कारक है पांचवा, संबंध कारक। और छठवां पॉइंट है क्रिया के साथ उसका संबंध। घर संज्ञा से संबंध है, उसके घर, घर संज्ञा से संबंध है इसका, घर संज्ञा से संबंध है। अच्छा, हम सर्वनाम पढ़ने से पहले सर्वनाम के भेदों को जानेंगे। सर्वनाम के होते हैं छह भेद। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा भेद होता है इसका निर्वाचक सर्वनाम। तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का पदपरिचय पढ़ने से पहले उसके सारे भेदों को और भेदों को जानना जरूरी है। थैंक यू। बस इस वीडियो में, आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण पदपरिचय।